आज हम आलू के पराठे बना रहे हैं, इसलिए हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं। इसे हमने बॉईल कर लिया है और आटा भी हमने गूंद लिया है। आटा थोड़ा हमने पतला ही गूंदा है, टाइट नहीं गूंदा। ये हमने लिए हैं हरा लहसुन और धनिया, प्याज, हरी मिर्च। अब हम इसे सब मिक्स कर लेंगे सब। थोड़ा हम इसे गरम तेल में थोड़ा फ्राई करेंगे, तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए। इतना काफी है। ये थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है। और ये हमने कैच की हींग ली है। और एक ही ऑनियन लिया था। ज्यादा फ्राई नहीं करना हमें, बस इतना ही करना जितना कच्चापन दूर हो जाए। और ये हरी मिर्चें, हरी मिर्च आप उतनी ही लीजिए जितनी आपको खानी हो। जितना तेज पसंद करते हैं लोग उतना ही खाते हैं। इसको तो ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना। और अब हम इसमें हरा लहसुन डाल देंगे। हल्की सी हम एक चम्मच हल्दी डालेंगे। नमक आपको पता ही है स्वाद अनुसार। आटे में भी हमने पहले थोड़ा नमक डाला है। और पहले हमने हरी मिर्च डाली है, इसलिए हम ज्यादा मिर्च नहीं डालेंगे। ये देगी मिर्च है कलर के लिए। और एक चम्मच ही हम धनिया डालेंगे, क्योंकि हम हरा धनिया भी, और अब हरा धनिया डालेंगे। तब तक हमारा वो हो जाएगा मसाला तैयार। ये हमारा मसाला हो चुका, हमने आलू के अंदर डाल दिया है। आलू को मैश अच्छी तरह करना है, गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। देखिए हमने लोई ले ली है और हमने इसी तरह इसे ऐसे ऐसे करना है। ज्यादा नीचे से पतला नहीं होना चाहिए, यहां से साइड से ही आपको करना है। और इसमें हम अब आलू मिक्सचर भरेंगे।
और इसे बंद करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। इसे बेलेंगे। अब बेलना है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। आपको बीच में से नहीं बेलना, सिर्फ साइड में ही बेलना है और ज्यादा टाइट करके हाथ नहीं चलाना। बिल्कुल हल्का हल्का हाथ से आपको एक पराठा तैयार करना है। आप जितना बड़ा चाहेंगे आप उतना ही बड़ा बना सकते हैं। और हमारा ठीक है जी, हमारा तवा हो चुका है। अब इसमें हम हल्का हल्का तेल डालेंगे। और इसे धीमी आंच पर हम सेकेंगे। पराठा अच्छे से फूल गया है। हम इसे सिक गया है, इतना सुंदर सिक गया है। अब हम नीचे से तेल थोड़ा डाल देंगे ताकि नीचे के साइड भी अच्छे से पक जाए। हमको ऐसे ही घुमा घुमा के सेकना है। पराठा तैयार हो चुका है। आप इसी विधि से, अब ये पराठा तैयार हो चुका है, आप भी इसी विधि से बनाकर और खाकर देखिए और इंजॉय करिए।